और जो बाइक है इस बार बुलेट ना होके बट आपको इस बार मैं लेके चलूंगा पल्सर, जिसको लोग एनएसवी कहते हैं, पल्सर 125, उसके थ्रू मैं चलूंगा इस बार। और देखते हैं कि 3 घंटे का सफर यहाँ से बता रहे हैं, और मैं देखता हूँ कि कितने टाइम में कवर करूंगा और कहाँ आपको रुकना है, क्या क्या चीजें घूमनी है, क्या खर्चा आने वाला है। चाहते हो तो मैं गाड़ी से भी जाने का प्लान है, बट मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर मैं राजस्थान में कुछ चीजें कवर करूँ, कोटा से मैं अगर प्लानिंग करूँ कि उदयपुर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बाइक के थ्रू, क्योंकि मेरा पैसन है यार बाइक से। मैंने जो भी आपको दिखाया, कई बार दिखाया लेह लद्दाख का, आपको दिखाया केदारनाथ का भी, तो चलिए इस बार मैं चलता हूँ और फिर मिलते हैं आपको कि रोड के ऊपर भी कैसे बाइक की स्पीड क्या होगी वो दिखाने वाला हूँ, चलिए मेरे साथ। और फाइनली अब मैं निकल रहा हूँ और पहुँचूंगा मैं चित्तौड़गढ़, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ साइट सीन है और कितने दिन का ट्रिप है। मैंने जो प्लान बनाया है 2 डे 1 नाइट का, इसके बाद हम अभी मैं अब निकल रहा हूँ पल्सर, जैसे मैंने आपको बताया था पल्सर से। इस बार मैं कोटा से मैक्सिमम मुझे जो टाइम लगेगा वो मुझे लगेगा 2.5 घंटा, तो आ चुका हूँ मैं वैसे तो अभी कोटा, जस्ट थोड़ा बाहर निकला हूँ और अभी मैं चलता हूँ तो आपको बताने वाला हूँ कि यार वहाँ क्या क्या देखेंगे आप, तो चलिए। तो देखो वहाँ पे अभी क्या क्या है, कौन सा महल है, महल देखने के बाद मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि कौन सा मंदिर है, क्या है, जैसा बताते हैं। उसके बाद हम वहाँ पर रुकेंगे कहाँ, वो चीज़ें बताऊंगा। तो अभी चलता हूँ, और फाइनली पीछे देख रहे हैं आप कि चित्तौड़ यहाँ से 6 किलोमीटर रह गया है और मैं पहुँच चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे साइट सीन दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यार 1 दिन काफ़ी है या 2 दिन काफ़ी है। देख सकते हो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है और अब मैं निकल रहा हूँ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेंगी और किस जगह की कितनी टिकट है। तो फाइनली चलिए अभी एंटर करता हूँ, फिर अभी मैं सबसे पहले होटल में स्टे करता हूँ और उसके बाद मैं साइट सीन के लिए निकलता हूँ। चलिए आइए मैं। Good morning, Sir. कितना टाइम हो गया भाई? It's 8 o'clock. यार मैं रेडी होके दोबारा सो गया क्या? चलो बारिश हो रही है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में। अब आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक नए ब्लॉग के लिए। और मॉर्निंग दोस्तों, देखो मैं सुबह जल्दी तैयार हो गया था कि मैं आपको लेके चलूंगा जो एशिया का, जैसा बता रहे थे रात, एशिया का सबसे बड़ा किला। और हम रात गए थे वहां पे, बारिश हो गई थी और भाई उसके अंदर ना पूरी कॉलोनी तरह से बसी हुई है। तो अभी मैं सुबह दिखाने वाला था बट यार सुबह 5 बजे मैं उठा, सहजा आप जानते हो कि सुबह जल्दी उठ के मैं जाता हूँ वॉक पे और फिर अब बारिश हुई कि जिसकी वजह से मुझे वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ, बारिश का मौसम कैसा है, बारिश रुक गई है भाई, बारिश तो अभी रुकी नहीं है, बारिश जारी है जैसा बता रहा है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ और आपको लेके चलूँगा। बट अभी तक तो देखो मैं आया ही था कल, फिर कुछ काम था इसकी वजह से हम लेट हो गए थोड़ा, रात को हम पहुँचे किले में तो नहीं दिखा पाया मैं। अब दिखाऊँगा आज आपको पूरा व्यू और चित्तौड़गढ़ के अंदर, काफ़ी अच्छी सिटी है। और देखो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना बहुत बड़ी मंडी है, जैसे किशनगढ़ के अंदर है मार्बल्स की, कोटा स्टोन की तो कोटा में, और मार्बल जो है यहाँ पे इम्पोर्टेड मार्बल है, कल मैं एक दो जगह मिला भी देखा भी, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ी मंडी है। तो चलो मैं अभी रेडी हूँ बिल्कुल और उसके बाद अभी निकलते हैं बाहर, तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आइए। फाइनली हम निकल चुके हैं अभी चित्तौड़ अपने किले के लिए, आ चुका है पाडल पोल और इस जगह पर टोटल 7 गेट हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पे है, ये मिनिमम कम से कम 180 मीटर ऊंचाई पे है ये, और ये 700 एकड़ के अंदर किला बना हुआ है। और इसमें जो इसकी बाउंड्री है वो जैसे बाउंड्री दिख भी रही है मेरे पीछे से, 13 किलोमीटर पूरा चित्तौड़गढ़ के अंदर 13 किलोमीटर में पूरी इसकी बाउंड्री है। और ये स्टार्ट इसके अंदर एक
कुछ लोग रहते भी हैं। इसके अंदर मैं बताया जाता है कि उस टाइम राजा के टाइम पे यहाँ पे 1,00,000 लोग रहते थे, राजा रानी। ये भैरवपोल, ये दूसरा निकल रहा है, ये है भैरवपोल। इस तरीके से इसमें टोटल 7 गेट हैं और 7 पोल हैं, तो वो मैं दिखाता हूँ आगे चलते रहिए। फिर एक अलग गेट, ये हनुमान पोल। इसी तरह से टोटल 7 गेट हैं, 7 गेटों से एंट्री करके ही पहुँचते हैं ऊपर। देखेंगे कितनी तगड़ी ऊंचाई चढ़ाई आ गई। और ये देखिए भाई, फुल 180 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है ये। और आपने पद्मावत की जो देखी होगी, यहाँ की जो रानी थी पद्मावती, उसके ही वो यहाँ पे वही रहती थी और वो सती हो गई थी, उसकी कहानी भी बताऊंगा। यह है जोरला पोल। फिर एक अगेन चढ़ाई का कट, ये देखिए, ये है लक्ष्मण पोल। ग्रीनरी, मौसम बहुत ही सुहाना है। देखेंगे कुछ लोग जा भी रहे हैं और कुछ लोग आ भी रहे हैं। और इसमें क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे कुंड हैं, और वो भी चीज़ें दिखाऊंगा। इसके अंदर एक गांव जैसे बसा हुआ है, क्योंकि जो राजा की सहायता जब की थी उन्होंने उस टाइम पे, तो वो यहाँ पे मकान बना के रहते हैं। और ये है रामपोल। जैसे मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे रहते हैं, तो देखेंगे आप कुछ लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है रामपोल। चौक पीछे निकल गया, हम बाइक से ही आए कोटा से, और अभी आएगा टिकट काउंटर। रात को भी आए थे यहाँ पे, काफ़ी तेज बारिश थी, बारिश की वजह से हम फिर नाइट शो कैंसिल हो गया, वो हम नहीं दिखा पाए आपको, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। इसके अंदर मंदिर बहुत सारे हैं, 100 से ज़्यादा मंदिर हैं, सभी को खंडित भी किया गया था। और फिर रानी पद्मावत अपनी 16,000 दासियों के साथ, रानियों के साथ सती हो गई थी यहाँ पे। उसके पीछे भी रीज़न बताऊँगा क्यों। जो एक खिलजी थे वो उनको पाना चाहते थे, उसकी वजह से आगे पूरी कहानी बताऊंगा। टिकट काउंटर, ये है टिकट काउंटर, 40 रुपये। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की टिकट है, इसमें 40 रुपये की टिकट है, ये हमने ले लिया जैसे कि अभी, पर हेड 40 रुपये की है, और अगर फॉरेनर हैं तो 600 रुपये की। सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है कि ये 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो जो 13 किलोमीटर में फैला है, तो आप अपनी गाड़ी, बाइक, कुछ भी ले जा सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि बाकी किलो में कि भी आप पैदल घूम सकते हो, 1-2 किलोमीटर में दायरे में हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपको घूमना है तो अपनी गाड़ी या फिर यहाँ पे पर्सनल गाइड भी मिलता है। एक कहावत आपने शायद सुनी नहीं होगी अभी तक, गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़। एक तो चीज़ ये है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक विजय स्तंभ है, जो विजय स्तंभ की भी आपको कहानी बताऊंगा। उसके बाद विजय स्तंभ राजस्थान में कहाँ यूज़ होता है और किसके लिए यूज होता है। आपने देखा राजस्थान की जो पुलिस है ना, उसका जो सिंबल जो बना के दिया, वो विजय स्तंभ का है। ऐसा देखना पड़ेगा आपको ध्यान से। टोटल यहाँ पे मैंने बताया 7 पोल, मीन 7 गेट। उसके बाद आ गया है बाड़ी पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, ये सारे हमने घूमे। उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं। इसको ये कम से कम 700 एकड़ जगह में फैला हुआ है, और सब जगह आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। एक ही टिकट से आपको सारी जगह घूमने को मिलेगा। पार्किंग आपकी होगी जो है टोटल 40 रुपये की जो टिकट है, उसके बाद आप उस टिकट से पार्किंग भी करोगे और घूमोगे भी आप। तो कोई आ चुका है, चलो देखते हैं अंदर। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो है म्यूज़ियम, हेरिटेज म्यूज़ियम। और एक बात और बताता हूँ, 2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज में इसको नाम दिया गया, चित्तौड़गढ़ को, और उससे पहले नहीं था। और अभी क्या है कि सबसे पहले आप म्यूज़ियम देखते, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, म्यूज़ियम की 22 रुपये की टिकट है। जैसा कि सभी जानते हैं, आपको हर जगह म्यूज़ियम वही चीज़ें मिलती हैं, तो वो आप देख सकते हैं भाई। भेलपूड़ी मिल रही है, वो भी आप खा सकते हो। तो चलो अभी हम देखते हैं, प्लानिंग करते हैं। विजय स्तंभ, मीराबाई महल, मीराबाई महल भी है यहाँ पे। मीराबाई महल की भी कहानी बहुत अच्छी है, बने रहे पूरे ब्लॉग में, बताऊंगा वो सारी बातें। और आपको देखो, जैसा पता है कि मैं कभी भी प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जाता हूँ, तो उन्होंने बोला यार वीडियोग्राफी फोटोग्राफी थोड़ा सा अलाउड नहीं है। आप 22 रुपये की टिकट लेंगे, पूरा अच्छा
हथियार आपको अंदर देखने को मिलेंगे जो यूज़ किए गए लड़ाई में, सारी चीज़ें। तो हमने यहाँ म्यूज़ियम देखा, बट वो मैं इसलिए नहीं दिखाया, कुछ प्रोटोकॉल है, वो आप जानते हो प्रोटोकॉल में कभी तोड़ता नहीं। चलिए फिर आगे लेके चलता हूँ अब आपको। और उसके बाद पॉइंट है विजय स्तंभ। ये जो विजय स्तंभ है ये 9 मंजिल है और कुछ रिनोवेट भी हो रहा है इसके अंदर। और म्यूज़ियम के बाद आप आते हो विजय स्तंभ पे। विजय स्तंभ की कहानी भी वो भी मैं बताऊंगा कि राजा ने जब अपनी विजय की गुजरात और जो मुग़लों के साथ, उसके बाद ये अपनी जीत के लिए ये बनाया गया। और इसके अंदर कितना मंजिल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए आगे लेके चलता हूँ। ये दूसरा पॉइंट है, देखने के बाद आपको बहुत ही सुकून मिलता है यार, ये चीज़ें अभी भी कायम है, उसके बारे में आपको चीज़ें भी बताऊंगा। खास बात यह है कि जब राजा ने बनवाई थी, इसकी हाइट आपको पता 122 फीट इसकी हाइट है, इसके ऊपर जा सकते हैं, बट कोरोना के बाद बंद कर दिया गया। जो बंद हुआ तो इसमें टोटल स्टेयर्स हैं 157 स्टेयर्स हैं। उस टाइम इसमें 90 लाख रुपये का खर्चा आया था, देख रहे हैं पीछे। तो आज यार कितना होगा। राजस्थान पुलिस का जब वो लगाते हैं लोगों, तो इसी स्तंभ का यूज़ किया गया है विजय स्तंभ। भाई आप ऑटो से भी घूम सकते हो, और 2 घंटे मिनिमम 2 घंटे का टाइम लेके चलना, आराम से 2 घंटे लगेंगे आपको, पार्किंग कर करके सब चीज़ें देखने को मिलेंगे। चलिए देखो इस तरह के कुंड बने हुए हैं यहाँ पर, ये टोटल 84 कुंड हैं ऐसे बने हुए यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से आप अंदर भी घूम सकते हो, अलग अलग तरह के कुंड बने हुए हैं यहाँ पर, लोग यहाँ पर नहाते भी हैं, अपनी अपनी मान्यता है पूजा अर्चना अर्चना करने। चलिए उसके बाद एक नई जगह लेके आता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मीरा मंदिर भी है, बहुत सारे 84 मंदिर बने पड़े हैं, सॉरी 113 मंदिर है, 84 कुंड है। और देखिए मंदिर जैसे आप आएंगे तो आपको प्रसादों की दुकानें नजर आएंगी, अंदर आके भी आपकी गाड़ी की पार्किंग लगती है, एंट्री फीस तो 40 रुपये। देखो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये है रानी का महल, जल महल भी कह सकते हो आप इसको। गर्मियों के समय चारों तरफ पानी भरा रहता था और रानी यहीं पर रहती थी। खिलजी ने सबसे पहले पद्मावत को इधर ही बिठाया गया था, तब उन्होंने इस जगह से देखा था, तो उसके बाद उन्होंने उसको जीतना चाहा। दिन खिलजी ने जब पद्मावत रानी को देखा, इसी महल में देखा था, उसके बाद उन्होंने बोला कि यार इसको मुझे शादी करनी है, उन्होंने क्या कूच कर दी, फिर ठीक है इस जगह आए। बट रानी अपनी 16,000 जो सखियाँ थी, रानियाँ थी, उनके साथ सती हो गई थी, और वो इसी महल की कहानी है। गढ़ों में चित्तौड़गढ़, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अंदर तो हम जा नहीं सकते। और जब वो जाती थी इस महल से, रानी के महल में जब वो जाती थी, तो उसके नाव से ही जाना पड़ता था, अभी तो वो चीज़ें सुविधा भी नहीं है। और इसमें चारों तरफ पानी होता था, ठंडी हवा आती थी गर्मियों के समय, और सर्दियों में दूसरे महल में चली जाती थी रानी। तो जब वो दूर बैठ के खिलजी को दिखाया गया, रानी इसमें ऊपर बिठा दी गई, तो उस महल में मिरर लगाए गए थे, जो मिरर लगाए उन्हें उनकी फ़ोटो दिखी, तब से उसका मन मुग्ध हो गया, और भाई उसके बाद तो कहानी ख़राब होती चली। और आप अपनी गाड़ी या बाइक से घूम सकते हैं, देखेंगे इसमें यहाँ पर 113 मंदिर है, रिश्ता तो देखो समय अगर आपके पास है पूरा दिन तो आप घूम सकते हो, और अपनी बाइक से घूम रहे हैं। जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको दिखाई दी है, शुरुआत हुई थी, हम उस जगह वापस आ रहे हैं। वैसे ये मौसम ही बहुत अच्छा है घूमने के लिए, चित्तौड़गढ़ का किला घूमना है तो ये टाइम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी भी है, और ग्रीनरी के साथ साथ आपको धूप भी नहीं मिल रही है क्योंकि मौसम अच्छा। कल पूरे दिन बारिश हुई है और रात भर बारिश हुई है, बहुत ही मज़ा आया हमारे को भी, और फुल इंजॉय किया हमने चित्तौड़गढ़ किले को। टाइम तो 2 घंटा लगा, आपको मैंने वीडियो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके दिखाया है, जिसकी वजह से आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। फुल इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको, टिकट कितने की है, कहाँ आपको रुकना है, तो आप आसपास में रुक सकते हैं। ग्रीनरी, और देखो फिर एक नया कुंड एक इधर और आ गया सर अभी अपन ने, फिर एक 5 किलोमीटर के जो दायरे में है ये डियर पार्क बना हुआ है, आप यहाँ से जा सकते हैं देखने के लिए। वन मृग बंद है अभी, देखो लिखा भी हुआ है वन मृग बंद है, तो भाई चलो ठीक है आगे चलते हैं। चलिए भाई
पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है वो देखो, उसको कहते हैं रावली नहीं है, कुंभकर्ण की तरह की दिखाई दे रही हो पहाड़ी। एक तरफ दिखाई दे रहा है सोता हुआ कुंभकर्ण, जैसे कि बिल्कुल उसका फेस नजर आ रहा है आपको। एक मिनट साइड में आप गाड़ी रोके तो मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखना आप, ये देखिए ये इसका फेस, ये इसका पेट और ये पैर, बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह, बिल्कुल जैसे सो रहा है कुंभकर्ण। आपको मैं बहुत करीब से भी दिखा दिया चीज़ें, और वो इन्फॉर्मेशन बताइए जो हर कोई नहीं बताने वाला आपको, विजय स्तंभ की बात, ये पहाड़ी बिल्कुल कुंभकर्ण जैसी, पहाड़ी भी दिखाई मैंने आपको कुंभकर्ण जैसी, विजय स्तंभ की कहानी और पद्मावत रानी, पद्मावत जो है कि रानी थी उनकी कहानी, कैसे वो सती हुई, क्यों सती हुई, वो भी मैंने बताया। और जौहर कुंड एक जगह है यहाँ पर, वो अभी थोड़ा सा उस पर काम चल रहा था, उसके अंदर सती हुई थी, उसके बाद उसको कुंड बना दिया गया था। सारी 16,000 रानी उसमें सती होगी थी, क्योंकि पहले उसके अंदर क्या है कि हवन चलता रहता था उसमें। अभी क्या है कि उस जगह एक कुंड बना दिया गया है, उसमें मार्च के महीने में हवन होता है, और जो यहाँ के राजा हैं उदयपुर से आते हैं और वो यहाँ पर हवन करते हैं उसमें। अगर उसका ओपन है तो वो दिखाऊंगा, नहीं तो उसकी कहानी मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसमें एक साथ आग जलती रहती थी, उसके अंदर जब वो आग जलती थी तो उसमें वो सती हो गई। आपको एक नई चीज़ और दिखाने वाला, आपको जो सामने नज़र आ रही है पिंक कलर की बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की कहानी बताता हूँ। इस जगह जो एक सीताफल होता है उसकी साड़ियाँ, केले की साड़ियाँ इस जगह ही बनती हैं, और जो ये यहाँ पे जो इस किले के अंदर जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर काम करते हैं और उनको तनख्वाह दी जाती है। अपने पद्मावत जो कौन सी मूवी थी, जो पद्मावत मूवी थी, उसमें पादुकोण, दीपिका पादुकोण ने जो साड़ी जो पहनी थी ना, वो इसी जगह से बन के गई थी उसको, और उसको अवार्ड वगैरह भी मिले। मेरा मेन मकसद है कि जो पॉइंट्स है ना उनको आप कैसे कवर करो, और देखो मेरा मेन मोटिव ये होता है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि इस महल किले के अंदर क्या क्या चीज़ें थी। वो मैंने दिखाई आपको बिल्डिंग कि उस जगह क्या साड़ियाँ बनती हैं, आपको दिखाया मेन कुंभकर्ण के बाद जौहर महल के बारे में, जौहर कुंड के बारे में मैंने बताया, विजय स्तंभ के बारे में बताया, मीरा भवन भी वहाँ मंदिर भी था वो भी देख सकते हैं आप। उसके अलावा मैंने बताया था कि जो यहाँ की रानी थी वो कैसे सती हुई, उन्होंने अपनी मान मर्यादा बचाई मेवाड़ की, और वो अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगी, और उनका महल भी दिखाया मैंने। तो देखो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा बड़ा ना करके इतना ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप आ सकते हो यहाँ पर, और आसपास में काफ़ी होटल्स हैं वो भी कर सकते हो। जयपुर से 310 किलोमीटर, उदयपुर से 110 के नियर अबाउट 150 किलोमीटर दूर है, और कोटा से अगर आप आ रहे हो तो 170 किलोमीटर की दूर है। तो भाई अगर दिल्ली से आप आना चाहते हो तो जयपुर उदयपुर पहुंच सकते हो, कोटा में फ़्लाइट नहीं मिलेगी आपको, भाई टैक्सी आ सकते हो। तो चलिए मैं अभी इस ब्लॉग को ही ख़त्म करता हूँ। ट्रिप टू चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट है यहाँ पे घूमने लायक, वो मैंने बताया 13 किलोमीटर के अंदर ये बसा हुआ है, पहला एशिया के नहीं, इसको 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज के इसको दिया, उसके अंदर कर दिया कि वर्ल्ड हेरिटेज में। और सबसे बड़ी बात है कि पहला ऐसा किला है जिसमें आप अपनी गाड़ी या बाइक से घूम सकते हो, कोई मना नहीं है, बस उसकी पार्किंग एक जगह पार्किंग कर करके अंदर मंदिरों में घूम सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस ब्लॉक को यहीं, एक जगह जो यहाँ पे है कीर्ति स्तंभ, और यहाँ पे जो जैनियों का मंदिर है वो, और उन्होंने बनवाया हुआ है ये जैसा मुझे पता चला। तो जो कीर्ति स्तंभ है वो यहाँ से जब हम निकलते हैं तो ये जब दिखाई देता है पीछे जैनियों का मंदिर, ये कीर्ति स्तंभ और ये मंदिर बना हुआ, यहाँ के मंदिर थे ना बहुत ज़्यादातर खंडित कर दिए गए थे मुगलों के टाइम पे। देखेंगे आपको व्यू काफ़ी अच्छा, और सारी चीज़ें दिखाई दे रही, विजय स्तंभ, मीरा मंदिर, महल, रानी का महल, वो सारी चीज़ें। ये पार्ट में जो है किला 13 किलोमीटर तीन पार्ट में डिवाइड है, पहले में तो जो यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो राजा के टाइम से जो उन्होंने सेवा की थी वो लोग, दूसरे में महल हैं, और तीसरे में ये जंगल। बीच में आपको मंदिर भी दिखाई देंगे, बहुत सारे खंडित कर दिए गए हैं मंदिर। उस टाइम पे अकबर भी यहाँ पे आए, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यहाँ पे एक आक्रमण किया रानी के लिए। और देखेंगे चारों तरफ यहाँ पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है, व्यू बहुत अच्छा है, बाकी तो चीज़ें ठीक हैं।